हेलो एंड वेलकम टू यूनिवर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी प्रोज बुक रेनबो से लेसन नंबर सेवन इंडिगो के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेसन इंडिगो जो है वो मेनली गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी जो है वो इंडिगो क्रॉप को लेकर, जो बिहार में एक लैंडलॉर्ड सिस्टम था, बिहार में जो एक जमींदारी प्रथा थी, उसको लेकर गांधी जी ने किस तरह से सेटल डाउन किया, किस तरह से उसके अगेंस्ट वो लड़े और किस तरह से एक जस्टिस को वो लेकर के आए, तो वो सब बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, गांधी जी रोल इन चंपारण, यानी इस चैप्टर में हम चंपारण बिहार में गांधी जी के रोल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानेंगे कि इंडिगो है क्या। तो इंडिगो एक ऐसा वर्ड है जो एक क्रॉप के लिए आता है, इंडिगो यहाँ पर एक कॉमर्शियल क्रॉप के लिए आया, जिसे हिंदी में नील कहते हैं, कि नील की फसल। तो इंडिगो एक कॉमर्शियल क्रॉप है जिसको बड़े पैमाने पे पहले भी एक्सपोर्ट किया जाता था और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, अर्निंग का एक बड़ा सोर्स होता था। तो इंडिगो क्रॉप को लेकर बिहार में किस तरह की एक लैंडलॉर्ड सिस्टम था, किस तरह से जो फार्मर्स थे उनको एक बड़े अर्निंग से वंचित रखा जाता था, तो उस सिस्टम के अगेंस्ट ही पूरी जो गांधी जी की एक फाइट रही है उसके बारे में ये चैप्टर जो है वो मेनली एक्सप्लेन करता है। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं लुइस फिशर। जैसा आप देख पा रहे हैं, लुइस फिशर एक ब्रिटिश राइटर हैं और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एक ऐसी बुक है जिसमें गांधी जी के रोल के बारे में, गांधी जी के मेजर कंट्रीब्यूशन, गांधी जी के मेजर मूवमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो उसी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से इस पूरे एक्सट्रैक्ट को, इंडिगो एक्सट्रैक्ट को लिया हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हैं, लुइस फिशर यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो गांधी जी के रोल के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। तो किस तरह से गांधी जी ने अपनी एक जो शुरुआत है वो यहाँ पर करी थी, सिविल डिसोबीडेंस की शुरुआत उन्होंने की थी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि जो स्टोरी है वो है 1917 की, यानी 1917 के ईयर में किस तरह से गांधी जी ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, लोगों से मिले, चंपारण के पूरे सिस्टम को चेंज करने का एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रयास किया था। तो सिंपली आप देखेंगे कि स्टोरी जो है वो बिगन होती है लखनऊ से, यानी लखनऊ में किसी एक कांग्रेस कन्वेंशन के दौरान उनकी मुलाकात किसी एक फार्मर से होती है और किस तरह से उस फार्मर का उनके साथ एक अटैचमेंट रहता है और लास्ट में वो चंपारण तक पहुंच जाते हैं। तो कुछ मेन सिटीज़ का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि गांधी जी ने फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी उस फार्मर के साथ, उस फार्मर की फर्स्ट मीटिंग से लेकर चंपारण आने तक कौन कौन सी सिटीज़ को विजिट किया था, ऐसा एक क्वेश्चन भी बनता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण, ये वो ऐसे प्लेसेस थे जहाँ से गांधी जी विजिट करते हुए फाइनली चंपारण तक पहुँचे थे। तो लखनऊ हुई वो एक स्टार्टिंग थी जहाँ से लास्ट में गांधी कहाँ पहुँचे, चंपारण पहुँचे। अब कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स के थ्रू आप इस पूरे स्टोरी को, पूरे एपिसोड्स को समझ सकते हैं कि किस तरह से चैप्टर में उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा इसमें मेजर कैरेक्टर महात्मा गांधी है, गांधी जी के अलावा एक कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है स्टार्टिंग में, जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, जो एक शेयर क्रॉपर है, जो एक बटाईदार है, जो एक इंडिगो क्रॉप को उगाने वाला एक फार्मर है, कॉमन ऑर्डिनरी फार्मर है जिसको अपन कह सकते हैं। तो सिंपली हम जो पढ़ेंगे वो कैरेक्टर्स में महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ प्रोमिनेंट लॉयर्स के नाम इसमें आएंगे, इसके अलावा जेबी कृपलानी, प्रोफेसर मलकानी, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, इन लोगों के बारे में हम मेनली पढ़ने वाले हैं और उस समय जो मेन ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, मेन ब्रिटिश जो कमिश्नर थे, उनका डिस्क्रिप्शन इसमें सिंपली दिया हुआ है। इसके अलावा लास्ट में सोशल बैकवर्डनेस के लिए किस तरह से कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, गांधी जीज़ वाइफ कस्तूरबा, गांधी जीज यंगर सन देवदास, इसके अलावा कुछ और, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, इस तरह के कुछ लोगों के नाम भी दिए हुए हैं जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, जो गांधी जी को सपोर्ट करते हैं उस सोशल अपलिफ्टमेंट के दौरान। तो आइए स्टडी करते हैं मेनली कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है, राजकुमार शुक्ला केम टू लखनऊ टू मीट गांधी। राजकुमार शुक्ला बिहार से चलकर के कहाँ आता है, लखनऊ आता है, और लखनऊ
वो आता है दिसंबर 1916 में, आई मीन 1916 में दिसंबर में, जब कोई एक एनुअल कन्वेंशन हुआ था, एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, तो उस पार्टी के कन्वेंशन के दौरान वहाँ पर एक फार्मर जो है वो आता है, और उस फार्मर का नाम होता है राजकुमार शुक्ला। तो सबसे पहले आप देखेंगे यही वो पर्सन है जिसके कहने पर गांधी जी क्या करते हैं, चंपारण को विजिट करते हैं। सेकंड, अगर इस पर्सन का डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो ये एक ऐसा पर्सन है जो एक ऑर्डिनरी फार्मर है। इसका जो लेवल देखें तो ये लिटरेट नहीं है, आई मीन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, शिक्षाक्षर नहीं है, बिल्कुल दुबला पतला है, लेकिन रिजोल्यूट है, एक डिटरमाइंड पर्सन है जिसने डिसाइड कर लिया था कि मैं गांधी जी को अपने चंपारण तक लेकर आऊँगा। गांधी जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में इसने पहले कुछ सुना था कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में गांधी जी ने एक अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है वहाँ के सिस्टम को चेंज करने में, तो इसी होप के साथ वो गांधी जी से मिलने के लिए आता है। बट अनफॉर्चुनेटली गांधी जी उस समय थोड़े बिजी थे, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसे स्पेंड आई मीन उसे टाइम दे सकें, इसलिए गांधी जी उसे इमीजिएटली डेट नहीं दे पाए, और फाइनली फिर वो गांधी जी को फॉलो करता रहा। तो सबसे पहले वो लखनऊ से फिर गांधी जी को वो कानपुर तक फॉलो किया, जब गांधी जी कानपुर गए, उसके बाद गांधी जी जब वापस साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास आए तो वो अहमदाबाद पहुंच गया था, और फिर अहमदाबाद में आकर के गांधी जी को दोबारा से उसने वहाँ की पूरी जो लैंडलॉर्ड सिस्टम थी, वहाँ की जो इनजस्टिस थी, उसके बारे में सब बातें गांधी जी को बताई, और फिर गांधी जी ने फाइनली उसको एक डेट दी कि कुछ दिनों बाद में जो है वो क्या करने वाला हूँ, कलकत्ता आने वाला हूँ किसी पार्टी के काम से, आई मीन किसी वहाँ पे मीटिंग के दौरान मैं कलकत्ता होऊंगा, तो वहाँ कलकत्ता से फिर मैं विजिट कर सकता हूँ। तो फिर कलकत्ता से फिर वो पटना जाते हैं, फिर पटना से वो मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर से वो चंपारण जाते हैं। तो ये उनकी एक जर्नी थी मेन मेन सिटीज़ के थ्रू जहाँ वो पहुँचते हैं। तो पहला पॉइंट है राजकुमार शुक्ला जो लखनऊ में मिलते हैं दिसंबर 1916 को, आई मीन 1916 में वो गांधी जी जो है उनसे मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ला की। आगे लिखा है ही फॉलोड गांधी एवरीवेयर, उसने गांधी जी को हर जगह फॉलो किया, हर जगह मतलब कानपुर चला गया उनके पीछे, अहमदाबाद चला गया इसी तरह से, एंड कंप्लेन अबाउट दी वास्ट एंड इरिक्सम लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण बिहार, और उसने गांधी जी को बिहार का जो एक कष्टदायक इरिक्सम सिस्टम था, लैंडलॉर्ड सिस्टम, उसके बारे में गांधी जी को कंप्लेन करी। तो स्टार्टिंग के जो एपिसोड्स आप पढ़ेंगे वो राजकुमार शुक्ला के बारे में और महात्मा गांधी की मीटिंग के बारे में, कौन कौन से प्लेसेस को उन्होंने विजिट किया उसके बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में गांधी जी उसे अपॉइंटमेंट देते हैं कि मैं कलकत्ता होऊंगा और वहाँ से फिर मैं पटना की तरफ या बिहार की तरफ आपके साथ चलूँगा। आगे लिखा है गांधी वेंट टू पटना, गांधी पटना गए, पटना कहाँ से गए, कलकत्ता से। तो उससे पहले एक एपिसोड है कि जो गांधी जी ने अपॉइंटमेंट दिया था कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीने के बाद मैं वहाँ पर मिलूँगा तो आप वहाँ पर आना, तो पहले से उस डेट को वहाँ पर पहुँच जाता है कलकत्ता, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर वो गांधी जी का वेट करता है कि जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए तब तक वो वेट करता रहा, और फाइनली जब गांधी जी फ्री हो गए तो वो गांधी जी को लेकर कलकत्ता से पटना रवाना हो गया। तो आगे लिखा है कलकत्ता से फिर सबसे पहले गांधी जी कहाँ जाते हैं, गांधी वेंट टू पटना वेयर ही वॉज इल ट्रीटेड बाई सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद। अब सिंपली लिखा है कि जैसे ही वो पटना जाते हैं ट्रेन से, तो पटना में सबसे पहले महात्मा गांधी को विजिट करवाया जाता है राजेंद्र प्रसाद के होम को। आई मीन राजेंद्र प्रसाद उस समय एक प्रोमिनेंट लॉयर थे, एक प्रसिद्ध लॉयर थे जो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट फार्मर्स के केसेस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, यानी वो एक प्रसिद्ध वकील थे, और उस समय तक गांधी जी की मुलाकात उनसे नहीं हुई थी। ये बातें हैं मैं बता रहा हूँ 1917 की, 1917 में गांधी जी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था, 1917 से लेकर ही 1947 तक गांधी जी ने फिर जो मूवमेंट चलाए थे वो यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। तो ये बातें हैं 1917 की। तो सबसे पहले पटना में पहुंचकर गांधी जी पहुंचते हैं किसके घर पर, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ। राजेंद्र प्रसाद के घर पर उनको ऐसा देखने को मिला कि दे कंसीडर्ड, यानी जो सर्वेंट्स थे उन्होंने उसके साथ मल्टीट्रेड किया, और उन सर्वेंट्स ने क्या कर लिया, गांधी जी को एक अनटचेबल समझ लिया। यानी जिस तरह से राजकुमार शुक्ला एक लोअर पुअर पीजेंट था, ठीक उसी वे में ऑर्डिनरी उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए गांधी जी को भी क्या कर लिया, उन्होंने अनटचेबल समझ लिया। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उनको ग्राउंड पे ठहरने के लिए बोल दिया कि आप यहीं ग्राउंड पे ठहरेंगे, उनको वेल से आई मीन कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि उनको अनटचेबल समझ करके, और ये सब चीज़ें नहीं करने दी गई। तो गांधी जी के साथ एक ऐसा बिहेवियर हुआ राजेंद्र प्रसाद के घर पे, बट ध्यान रहे राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एट होम, ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन। जब वो मिलने गए तो राजेंद्र प्रसाद घर पे था नहीं, आई मीन थे नहीं, और
उस समय राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स हैं उन सर्वेंट्स ने ही गांधी जी के साथ एक दुर्व्यवहार किया था, या गांधी जी और उस राजकुमार शुक्ला दोनों के साथ एक मल्ट्रीटेट किया गया था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, लेटर गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर टू मीट प्रोफेसर जे बी कृपलानी। अब यहाँ एक जे बी कृपलानी का जिक्र आएगा कि उसके बाद पटना से वो मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड करते हैं। जाने से पहले वो पटना से ही एक टेलीग्राम कर देते हैं जे बी कृपलानी को। अब जे बी कृपलानी जो हैं वो किसी आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर थे, एक आचार्य थे, और जे बी कृपलानी से उनकी पहले मुलाकात हो चुकी थी। टैगोर के शांति निकेतन जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट था उस समय, वहाँ पर जे बी कृपलानी से उनकी मुलाकात पहले हो चुकी थी, तो एक जान पहचान थी। तो इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले डायरेक्ट पटना से चंपारण जाने की बजाय वो पटना से मुजफ्फरपुर जाते हैं, और मुजफ्फरपुर जाने से पहले वो जे बी कृपलानी को एक टेलीग्राम कर देते हैं। जे बी कृपलानी जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ उनको मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर उनको रिसीव करने के लिए आता है, और इस तरह से वो जे बी कृपलानी से मिलते हैं। तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर जाते हैं। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि मुजफ्फरपुर वो क्यों जाते हैं, तो मुजफ्फरपुर इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो चंपारण और मुजफ्फरपुर के आसपास के फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ का जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। वो जानकारी जो राजकुमार शुक्ला ने उनको दी थी उससे भी कहीं ज़्यादा वो डीपली उसके बारे में रियलिटी जानना चाहते हैं, इसीलिए वो जे बी कृपलानी से मिलने के लिए प्लान करते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन भी बनेगा, गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। तो इस तरह से फाइनली वो जे बी कृपलानी के घर पे जाते हैं, और जे बी कृपलानी के घर पे वो जाने के बाद उनका जो स्टेइंग किया जाता है वो परमानेंटली 2-3 दिन के लिए, वो होता है किसी प्रोफेसर मलकानी के घर पे। यानी इसका नाम यहाँ तो जे बी कृपलानी है, और उनका जो स्टेइंग किया गया, उनको रहने की जो व्यवस्था की गई वो किसी प्रोफेसर मलकानी के घर पे की गई थी। मिस्टर मलकानी जो है वो एक ऐसे पर्सन थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बट मिस्टर मलकानी ने एक ऐसी मिस्टर जो मलकानी थे, प्रोफेसर मलकानी, उन्होंने गांधी जी को अपने घर पे स्टे करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। और गांधी जी कहते हैं कि उस समय एक बहुत बड़ी बात थी कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे जैसे पर्सन को, यानी गांधी जी जैसे पर्सन को एक्सेप्ट करे अपने घर में और अपने घर में उसको स्टे करे, क्योंकि मोस्टली जो छोटे जो टाउन्स होते थे वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डरते थे कि कहीं अगर मैं इस तरह के लोगों को, इस तरह की क्रांतिकारी लोगों को अगर मैं अपने साथ रखूँगा या अपने घर पर रखूँगा तो हो सकता है मेरी जॉब चली जाए, तो लोग सिंपैथी शो करने से डरते थे। ऐसा भी एक क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दोज डेज व्हेन गांधी जी स्टेड एट दी होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिकॉज फॉर पीपल लाइक गांधी टू स्टे एट मलकानीज हाउस, इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिकॉज इन सिमिलर स्मॉलर लोकेलिटी पीपल वर अफ्रेड टू सो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। ऐसे लोग जो होम रूल का, स्वराज्य का समर्थन करते थे, एडवोकेट्स करते थे, उन लोगों के लिए जे बी कृपलानी या मलकानी जो भी लोग थे वो सिंपैथी शो करने से डरते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जे बी कृपलानी और मलकानी ने गांधी जी को सपोर्ट किया और फाइनली वो इस तरह से उनको अपने घर पे रखते हैं। तो 2-3 दिन गांधी जी वहाँ मुजफ्फरपुर रुकते हैं और वहाँ की जो पूरी सिचुएशंस है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। अब इस दौरान उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स से मिलते हैं। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को वो सब चीज़ें पूछते हैं कि किस तरह के केसेस जो हैं वो कोर्ट में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब गांधी जी को उन सब चीज़ों की जानकारी मिली तो गांधी जी ने उन लॉयर्स को सबसे पहले तो फटकार लगाई, उनको चाइडेड किया। तो चाइडेड क्यों किया, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी फीस ले रहे थे उन किसानों से, जिन किसानों को पूरा सिस्टम ही पता नहीं था कि कोर्ट में सिस्टम को या केस को प्रेजेंट कैसे करते थे। तो जिन किसानों ने उन लॉयर्स पे विश्वास किया था उन लॉयर्स के द्वारा ही किसानों से काफ़ी बड़ी फीस ली जा रही थी, तो इस बात को लेकर के गांधी जी ने उन्हें डांट फटकार लगाई। तो आगे अगला पॉइंट यही लिखा है, गांधी न्यू अबाउट द लैंडलॉर्ड सिस्टम एंड चाइडेड लॉयर्स। गांधी ने वहाँ के लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में जाना और वहाँ के जो लॉयर्स थे, वकील थे, उनको उन्होंने क्या किया, चाइडेड किया, उनको फटकार लगाई। तो फटकार किस लिए लगाई, बिकॉज दे वर कलेक्टिंग द बिग फीस, दे वर रिसीविंग द बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, फ्रॉम द लैंड फार्मर्स। तो इस तरह से गांधी जी उनको
फटकार लगाते हैं और उनको बताते हैं कि जहां फार्मर्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं, शेयर क्रॉपर्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं, वहां पर उनके केसेस को ले जाना कोर्ट में आई थिंक वो ठीक नहीं है, इनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की बातों को लेकर वो लॉयर्स के सिस्टम को भी टारगेट करते हैं और उनको डांट फटकार लगाते हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कि जब गांधी जी को पता चला कि वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है, तो क्या सिस्टम है, लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड शेयर क्रॉपर्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड, कि वहाँ पर जो चंपारण और मुजफ्फरपुर के लोग हैं, दोनों पास पास दोनों टाउन हैं, तो सिंपली बताया कि मुजफ्फरपुर और चंपारण में अधिकांश जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको कंपेल्ड किया जाता है, उनको बाध्य किया जाता है। किस काम के लिए बाध्य किया जाता है, टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड, कि वो अपने लैंड का 15% जो है उसको प्लांट करेंगे, किसके साथ, विद द इंडिगो क्रॉप, यानी जो खेत है उनका, उस खेत का 15% पार्ट जो है उनको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, इंडिगो बोना होगा, और उस पूरी इंडिगो को उन्हें सरेंडर करना पड़ता था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। तो ये जो सिस्टम था वो काफ़ी इरेक्शन था। और कुछ दिनों के बाद फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जर्मनी के यहाँ से कोई खबर आती कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो विकसित कर लिया है। तो अब ये जो इंडिगो इंडिया में जो बन रही है चंपारण में, जो उगाई जा रही थी, वो नेचुरल इंडिगो थी। तो जैसे ही ऐसा पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक कृत्रिम इंडिगो विकसित कर ली है, तो फिर मार्केट में जो एक्सपोर्ट की जो रेट थी, जो एक्सपोर्ट की जो रेट थी, वो रेट कम हो गई। यानी जितना अर्निंग उनको हो रहा था नेचुरल इंडिगो को एक्सपोर्ट करने में, वो कम हो गया, क्योंकि लोग जर्मनी की सिंथेटिक इंडिगो को भी रिसीव करने लगे, खरीदने लगे। तो मार्केट वैल्यू डाउन होने की वजह से जो लॉस हुआ लैंडलॉर्ड्स को, उस लॉस की भरपाई के लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम कर दिया कि फार्मर्स को उसका कंपेंशन देना पड़ेगा, फार्मर्स को इसकी क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। और जब लोगों को पता चला इस तरह की चीज़ों का, तो लोगों उन्होंने उसका विरोध किया। लोगों ने पहले, जिन्होंने साइन कर दिया था 15% के एग्रीमेंट पर, वो लोग भी अब अपना पैसा वापस मांगने लगे और एक तरह से प्रोटेस्ट करने लगे थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के साथ। और जब इस तरह की सिचुएशन चल रही थी, तभी गांधी जी मुजफ्फरपुर से कहाँ पहुँच जाते हैं, चंपारण पहुँच जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर का काफ़ी बड़ा एक इंसिडेंट यहाँ दिया हुआ कि सबसे पहले वो जेबी कृपलानी के घर पर जाते हैं, जेबी कृपलानी के यहाँ से फिर वो मलकानी के घर पे स्टे करते हैं और वहाँ की पूरी स्थितियों को समझते हैं 2-3 दिन के लिए। और उसके बाद जब चंपारण में लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो उसी दौरान गांधी जी वहाँ चंपारण में पहुँच जाते हैं। इससे पहले ऐसा एक इंसिडेंट आता है कि जब वो मुजफ्फरपुर में ठहरे थे, तो बहुत सारे लैंडलॉर्ड चंपारण और मुजफ्फरपुर के आसपास के गाँव के, वो सब लोग जो हैं, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड नहीं, वहाँ के फार्मर्स जो हैं, वो गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। और उनको पता चला कि कोई ऐसा लीडर आया जो हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाला है, हमारे लिए कुछ एफर्ट्स करने वाला है। तो इस तरह से मुजफ्फरपुर का काफ़ी बड़ा इंसिडेंट दिया हुआ है। अब उसके बाद गांधी रीच्ड चंपारण, गांधी कहाँ पहुँचते हैं, चंपारण पहुँचते हैं। और जैसे ही गांधी चंपारण पहुँचे, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, एंड मेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, कि वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, यानी वहाँ की जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थी जमींदारों की, उसके सेक्रेटरी से मिले। और लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये कहते हुए उनको इग्नोर कर दिया कि आप आउटसाइडर हैं और आपको हम किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो फर्स्ट जो पर्सन था वो कौन था, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी चंपारण में, जिससे वो मिले, लेकिन उन्होंने कोई उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसके बाद लेटर गांधी मेट ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, और उसके बाद फिर वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से, किसी बड़े अधिकारी से मिले, और उस अधिकारी ने भी उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस अधिकारी ने गांधी जी को डांटना स्टार्ट कर दिया, उसने कहा कि आप आउटसाइडर हैं, आपको कोई राइट नहीं है यहाँ के लोगों के बारे में जानने का, और आप जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आप इस पूरे चंपारण खंड को, चंपारण का जो तिरुहत खंड है ये पूरा, इसको आप यहाँ से छोड़ दें, आप यहाँ से चले जाएँ। तो इस तरह से गांधी जी को एक चाइडेड किया गया था, उन्हें एक फटकार लगाई गई थी, उनको डराने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था, गांधी जी ने चंपारण को नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद ऐसा एक इंसिडेंट होता है कि एक पड़ोस के ही किसी गांव में, विलेज में, एक किसान के साथ मल्ट्रीटेड होता है, उसे मारा पीटा जाता है, उसके साथ गलत व्यवहार होता है। तो जब गांधी जी उससे मिलने के लिए जाते हैं, तो एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो मैसेंजर है, वो उनको रोक लेता है और वहां वापस जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन गांधी जी उस फार्मर के पास जाते तो नहीं हैं, लेकिन जैसे ही वो सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर गांधी जी को वापस अपने घर पर छोड़ता है, चंपारण में छोड़ता है, तो उनको एक ऑर्डर दिया जाता है,
एक लीगल समन दिया जाता है, आई मीन एक ऑर्डर दिया जाता है कि आप तुरंत जो है वो तिरुहत खंड को, यानी पूरे चंपारण वाला जो ये पूरा संभाग है, इसको छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन गांधी जी ने उस ऑर्डर का डिसओबे कर दिया और उसकी रिसिप्ट जो थी उसके ऊपर लिख दिया कि आई विल नॉट लीव, आई डिसओबे दिस ऑर्डर, कि मैं इस ऑर्डर का क्या करता हूँ, डिसओबे करता हूँ। तो ये बातें 1917 की है। 1917 में ही पहली बार गांधी जी ने सिविल डिसओबिडेंस यानी सविनय अवज्ञा का स्टार्टिंग करी थी, उसकी शुरुआत करी थी। तो आगे लिखा है, जैसे आप देख रहे हैं, गांधी वॉज गिवन समन, गांधी को समन दिया गया। फिर जब वो गांधी जी ने उस ऑर्डर का डिसओबे किया तो उनको एक कानूनी समन मिला, समन कोर्ट में पेश होने का। बट ही डिसओबेड द, लेकिन उस समन का उन्होंने डिसओबे कर दिया, आई मीन जो लीगल समन मिला था उसका डिसओबे करने के बाद उनको समन मिला। और जैसे ही बाद में उन्होंने डिसओबे किया तो उनको एक कोर्ट से समन मिलता है, और उस कोर्ट के बाद में लोगों को जैसे पता चला है कि हमारा जो लीडर है वो प्रॉब्लम में है, तो पीपल सपोर्टेड गांधी, तो लोगों ने गांधी को क्या किया, सपोर्ट किया। और चंपारण की जो कैपिटल थी मोतिहारी, वहाँ पर कोर्ट में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, कोर्ट के आसपास काफ़ी हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और वो सब लोग गांधी जी को सपोर्ट करते हैं। और इस तरह के एक लीडरशिप को देख करके जो गवर्नमेंट थी वो सब वहाँ पर एकदम से एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, बफल्ड हो जाते हैं, और वो गांधी जी का सपोर्ट चाहते हैं कि इस क्राउड को वो रेगुलेट करें, इस क्राउड को वो कंट्रोल करें। और गांधी जी ने फिर उस क्राउड को कंट्रोल भी किया, और गांधी जी ने किसी को भी किसी तरह की वॉयलेंट एफर्ट्स लगाने के लिए मना कर दिया था। और इस तरह से गांधी जी ने उस पूरे कानूनी सिस्टम में गवर्नमेंट की हेल्प करी। जब इस तरह का सिस्टम देखा तो उस ट्रायल को पोस्टपोन करने का निश्चय कर लिया, कि जो गांधी जी पे मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे को उन्होंने पोस्टपोन करने का प्लान कर लिया। और कुछ समय के लिए जब पोस्टपोन किया तो उन्होंने कहा कि गांधी जी चाहें तो बेल ले सकते हैं, आई मीन जमानत ले सकते हैं। लेकिन ऐसा इंसिडेंट आया बीच में कि नहीं, गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, वो ऐसा कोई बेल वगैरह नहीं लेंगे। और उसके बाद आगे लिखा है, गांधी जी मेट LG, आई मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड एन ऑफिशियल कमीशन वॉज मेड। तो आगे एक ऐसा इंसिडेंट दिया है कि जब कोर्ट ने फिर गांधी जी के सारे ये प्रूफ देख करके, जब गांधी जी ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं यहाँ पर नेशनल सर्विस के लिए आया हूँ, मैं कोई लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, मैंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो उन सब बातों के बाद गांधी जी को कुछ समय के बाद फिर फ्री कर दिया गया, कि उनको किसी ने मतलब रोका नहीं, उनको चंपारण बिहार में रहने के लिए उनको परमिशन मिल गई। उसके बाद गांधी जी ने फैक्ट्स को जुटाना स्टार्ट किया, जितने भी तथ्य थे, जितने भी प्रूफ थे, उन किसानों से साइन करवाए गए, उनके डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट किए गए। और फाइनली फिर गांधी जी एक ऐसे पर्सन से मिले जो एक सोल्यूशन उनको देता है। तो बाद में गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, गांधी मेट LG, गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं वहाँ के, एंड ऑफिशियल कमीशन वॉज मेड। और उसके बाद फिर क्या किया गया, एक ऑफिशियल कमीशन जो है, एक जिसको अपन बोलते हैं कि एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग में तीन तरह के लोग थे, उस तरह के उसमें सरकारी कर्मचारी थे, आई मीन गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, इसके अलावा लैंडलॉर्ड जो लोग थे वो इसमें इंक्लूड थे, जमींदार थे, और फार्मर्स की तरफ से गांधी जी एक पर्सन थे जो उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो इस तरह से तीन लोगों को उसमें शामिल किया गया। तो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो प्रूफ गांधी जी ने रखे, उन प्रूफ्स को गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने वहाँ पर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और फाइनली ऐसा डिसीजन लिया गया कि गांधी जी जो हैं उनके प्रूफ बिल्कुल एक्यूरेट हैं, और इस लैंडलॉर्ड सिस्टम से इन फार्मर्स को फ्री किया जाना चाहिए। तो फाइनली फिर गांधी जी के एफर्ट से ही वो पूरा सिस्टम जो है वो चेंज कर लेते हैं, लैंडलॉर्ड्स एग्री हो जाते हैं उस रिफंड के लिए, जो पैसा उन्होंने उनसे लिया था और जो ज़मीनें उन्होंने उनकी हड़प रखी थी वो सब चीज़ें उनके लिए वो गांधी जी के सामने एग्री हो जाते हैं। फिर आगे एक बड़ा पॉइंट आता है कि गांधी एग्रीड एट द रिफंड ऑफ 25%। जब वो लैंडलॉर्ड्स 100% की बजाय 25% पर एग्री हो जाते हैं, यानी वो कहते हैं कि हम 100% तो नहीं दे पाएंगे जितना हमने लिया था, लेकिन हम 25% दे देंगे। तो 25% पर वो एग्री इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गांधी जी मानते हैं कि उनको पैसा देने के लिए बाध्य करना, कंपेल्ड करना, फोर्स करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय रिफंड अमाउंट के। तो हमें 25% मिल रहा है वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने इनको इनकी प्रतिष्ठा के सामने या झुकाया है, आई मीन उनको पैसा देने के लिए फोर्स किया है। तो इस तरह से गांधी जी ने फाइनली 25% की रिफंड पे भी अपना एग्रीमेंट, वो एग्री हो गए थे। होल डिस्प्यूट वॉज क्लोज्ड, और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे जो मामला है वो क्लोज हो गया, और जो लैंड्स थी फार्मर्स की, धीरे धीरे वो सारी लैंड जो है वो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा अबेंडन कर दी गई। गवर्नमेंट जो वहाँ की, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे,
या ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने उस ज़मीन को धीरे धीरे छोड़ दिया और वो ज़मीन वापस से उन किसानों को मिलने लग गई। तो इस तरह से गांधी जी ने उस पूरे 6 to 7 months के पीरियड में काफ़ी बड़ा एक स्ट्रगल किया, अपने आप की जान को जोखिम में डाला, उनके लिए जेल जाने के लिए तक तैयार हो गए थे। उसमें एक इंसिडेंट आता है कि जब गांधी जी चंपारण में रुके, जब वो प्रूफ इकट्ठे कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ के मुजफ्फरपुर और आसपास के पटना के जो अच्छे अच्छे वकील थे उनको भी वहाँ पर बुलाया था, और उन वकीलों में से एक थे राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद के साथ और भी कई लोग थे जिसमें मौलाना अबुल, इसके अलावा कुछ फेमस प्रोमिनेंट लॉयर्स थे। और उन लॉयर्स को उन्होंने कहा कि अगर मान लो मैं जेल चला जाता हूं तो आप क्या करेंगे। तो उस इंसिडेंट के लिए भी फिर जब वो लॉयर्स ने कहा कि हम तो आपको केवल एडवाइस देने के लिए आएंगे, अगर आप ही जेल चले जाएंगे तो फिर कौन लड़ेगा उनकी लड़ाई, हम भी अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन फिर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया और वो देखते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो आउटसाइडर हैं, जो गुजरात अहमदाबाद से है, और वो पर्सन बिहार के चंपारण के लोगों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। तो फिर लॉयर्स भी गांधी जी के सपोर्ट में आ जाते हैं, और जैसे ही वो सब लोग सपोर्ट में आते हैं तो गांधी जी ने कहा कि हमने अब ये लड़ाई जो है वो जीत ली है। फिर वो प्रूफ इकट्ठे होते हैं और फाइनली वो LG के कहने पर जो ऑफिशियल कमीशन का गठन होता है उस ऑफिशियल कमीशन में वो अपना प्रूफ देते हैं और फाइनली वो अपनी सिविल डिसोबीडियंस से जीत प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर वो पूरा जो डिस्प्यूट है वो क्लोज डाउन हो जाता है, पूरा डिस्प्यूट जो है वो सेटल हो जाता है। लास्ट में उसके बाद ऐसा बताया कि 6 to 7 months गांधी जी ने ये काम करने के बाद फिर भी गांधी जी कुछ एक लिमिटेड इंटरवल पर वहाँ पर आते रहते थे, वो एक एक महीने से 10-10, 15-20 दिन से वापस चंपारण आते रहे थे। और जब ये पूरा सिस्टम इम्प्रूव हो गया था उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, लेटर गांधी वर्कड फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट। लास्ट में ऐसा इंसिडेंट दिया कि गांधी जी ने चंपारण के सोशल उत्थान के लिए काम किया, वहाँ की जो कल्चरल और जो सोशल बैकवर्डनेस थी उसको हटाने के लिए वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर्स की व्यवस्था करी, वहाँ पर कुछ प्राइमरी स्कूल्स खोले गए और लोगों को आश्रम के रूल्स सिखाए गए, क्लीननेस के रूल्स बताए गए। तो इस तरह से गांधी जी ने वहाँ पर सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया और टॉट ए लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंट, और लोगों को एक आत्मविश्वास का, अपने आप के ऊपर विश्वास करने का एक पाठ पढ़ाया था। लास्ट में एक पर्सन के बारे में और दिया हो कि गांधी जी का एक फॉलोवर्स था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू जो है वो एक ऐसे रेपुटेटेड पर्सन थे, अगर वो उनकी हेल्प करते तो मामला हो सकता है जल्दी सुलझ जाता, लेकिन लॉयर्स ऐसा चाहते थे शुरू में, ये बातें लास्ट में राजेंद्र प्रसाद प्रूव करते हैं कि हम लोग लॉयर्स ऐसा चाहते थे कि जो ब्रिटिश मिशनरी, ब्रिटिश जो पर्सन है चार्ल्स एंड्रयू फ्रियर जो गांधी जी का फॉलोवर्स है, अगर हम उसकी हेल्प लें तो शायद हम जल्दी से इस मामले को सुलटा सकते हैं। तो गांधी जी लेकिन इसके बिल्कुल अपोज थे, गांधी जी चाहते थे कि नहीं, हम किसी भी ब्रिटिश पर्सन की हेल्प नहीं लेंगे, हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, इतने वीक नहीं हैं कि हम लोग खुद नहीं कर सकते, इसलिए अगर हम उस पर्सन की हेल्प लेंगे तो ये हमारे दिल की कमज़ोरी को शो करेगा। इस तरह से उन्होंने एक समझाया कि अगर आप एक ब्रिटिश पर्सन की हेल्प लेकर इस मामले को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप में वो एफर्ट्स नहीं हैं, आप इतने कमज़ोर हैं कि आप उस मामले को सोल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह से गांधी जी ने उनको एक सेल्फ रिलायंट बनने का एक लेशन पढ़ाया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये लेशन है वो गांधी जी के रोल के बारे में, गांधी जी ने इस पूरे चंपारण इंसिडेंट को कैसे सोल्व किया, ये सारी बातें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो यही होते हैं कि गांधी जी की लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कैसे था, पूरा चंपारण एपिसोड। तो टर्निंग पॉइंट इसलिए था, गांधी जी ने अपनी लाइफ के लगभग 6 to 7 और ओवरऑल अगर बोलें तो लगभग उन्होंने अपने जीवन का एक साल 1917 पूरा जो ईयर था वो उन्होंने चंपारण में ही स्पेंड कर दिया था। इस दौरान उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि हमारी खुद की कंट्री में ब्रिटिश जो पर्सन है या ब्रिटिश लोग जो हैं वो हमारे ऊपर कोई ऑर्डर नहीं चला सकते हैं, हम अपनी स्वेच्छा से अपने लेवल पर फ्री रह सकते हैं। तो गांधी जी की एक शुरुआत थी, 1917 में पहली बार उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का एक एग्जांपल पेश किया था।